उसका कर्म भाव क्या है और कर्ता कर्म भाव के मिथ्य सेवन से कर्ता कर्म भाव को सही रूप में न समझने के कारण मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान और आनंद मेरे कर्म हैं, न समझने के कारण अनादिकाल से ही शुद्ध चैतन्य का बोध अनादिकाल से ही नहीं हुआ और वर्तमान में भी नहीं है। हम चेष्टा करते हैं कि उस शुद्ध चैतन्य का बोध रागादि से भिन्न होकर, भिन्न ही है और भिन्नता का बोध करके, भिन्न ही है, अभिन्नता की केवल कल्पना है। मैं रागादि के साथ एक मेक हूँ, कैसे मानता है ये? क्योंकि शुद्ध चैतन्य वर्तमान में कोई चीज है, इसका इसको परिज्ञान नहीं है। आत्मा शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है, शुद्धाति शुद्ध है, इसका इसको बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए उसका तो मानो लोप ही कर दिया। तुम्हें क्या वजह? शुद्ध चैतन्य के साथ अहम न होने के कारण अहम किसने हो? तो जो अपना है, जो हम हैं, जो मेरा है, उसमें अहम हो तो वो अहम सही है, वो अहंकार सही है, वो ममत्व सही है और वह आपत्तिजनक नहीं। कौन आपत्ति करेगा? जो अपनी वस्तु है, जो स्वयं आप है, उसमें अहम हो, उसका परिज्ञान हो, उसका वेदन हो और उसी में आचरण हो तो ये बात आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन क्या है आपत्तिजनक? कि अपनी वस्तु इतनी वैभवशाली होने पर भी उस वैभव का तिरस्कार करके, विस्मरण करके, विस्मरण है लेकिन आचार्य जब उसका बोध देते हैं तो फिर उसको ग्रहण नहीं करना और उसमें अहम नहीं करना, ये उसका तिरस्कार हुआ या नहीं? अनादि से ही रागादि का सत्कार है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य में अहम नहीं हो तो किसी अन्य में अहम होगा ही होगा, क्योंकि अहम करना आत्मा का स्वभाव है, ममत्व करना आत्मा का प्रति समय। कैसे सिद्ध होती है बात? प्रति समय हमारे भीतर हमको अनुभव में आते हुए ममत्व के भाव होते हैं, पर पदार्थों के प्रति, वे पदार्थ जो हमारे नहीं हैं, जिनमें हमारा कुछ भी नहीं है और जिन पर ममत्व करने का हमारा अधिकार भी नहीं है, ऐसे पदार्थों के प्रति हमारा अनधिकृत ममत्व, अनधिकृत हुआ ना। जगत में अगर हो तो वो बात बहुत आपत्तिजनक होती है, देखना तक आपत्तिजनक माना जाता है। तुम मेरी हो, बार बार क्यों देखते हो? ये बात आपत्तिजनक मानी जाती है ना, ये आपत्तिजनक वाक्य है ना। देखता है कोई तो वो कहता है कि मैं अपनी आंख से देखता हूँ, मैं तुमको छूता नहीं, मेरी आंख तुमको छूती नहीं, इसमें तुमको क्या आपत्ति है? कि मुझे तुम्हारी नियत में आपत्ति है। तुम्हारी नियत साफ तो कहाँ देखना चाहिए,
कि तुमको तुम्हारी तरफ कौन देखना बाकी रहा हो। मेरी तरफ नहीं देखने का अर्थ मेरे जैसे जगत में जितने पदार्थ हैं उनकी ओर बार बार देखना ये आपत्तिजनक है। एक बार देखकर तुम्हारा मुंह फिर जाना चाहिए, अपना मुंह तुमको मोड़ लेना चाहिए और अपने कार्य में व्यस्त हो जाना चाहिए। इस तरह आत्मा अत्यंत पवित्र वस्तु है क्योंकि वो एकाकी है, अकेला है, किसी के साथ उसकी मिलावट नहीं है, उसमें परिणाम नहीं होता, परिणमन नहीं होता। परिणमन हो तो वहाँ पर विकार की संभावना होती है। तो ऐसा जो आत्मतत्व है उस आत्मतत्व का बोध अनादि से ही न होने के कारण और इन महान महान ऋषियों के द्वारा परम हितैषी संतों के द्वारा बार बार जगाया जाने पर भी यह उस बात को स्वीकार नहीं करता। सुनते हैं ना हम बार बार रोज रोज उस एक चैतन्य की ही बात सुनते हैं, लेकिन चैतन्य का थोड़ा भी महत्व आता है नहीं आता है। तो आचार्य कहते हैं क्या है ये बात, तुम अन्य में तुम्हारा कुछ नहीं होने पर और उनसे तुमको कुछ न मिलने पर भी बार बार तुम्हारा चित्त उधर जाता है, क्या है इसका कारण? ये कैसा पागलपन, ये कैसा उन्माद है? उनसे कुछ न मिलने पर भी बार बार तुम उनकी ओर देखते हो, इसमें तुमको क्या मिलने वाला है? जैसे एक साधारण आदमी किसी महारानी की ओर बार बार देखे तो उसको क्या मिलने वाला है, उसको तो सजा मिलने वाली है। इस तरह बार बार अन्य पदार्थों की ओर देखना मैंने उनसे ममत्व करना, अहम करना, ये साबित करता है, देखना ही ये साबित करता है कि इसका इसके साथ में ममत्व है। जो ममत्व है वो राग द्वेष को पैदा करता है, जो अहम है वो राग द्वेष को, अहम पर में जो अहम है वो पर का वेदन कराता हुआ पर के ग्रहण और त्याग इस रूप प्रवर्तित होता है। क्या करेगा, जब पर पदार्थ में अहम किया और उसको आप माना, अपना माना, स्वयं का माना या स्वयं ही माना उसको, तो उसके ग्रहण और त्याग की बात आएगी कि नहीं आएगी? वो अच्छा है, बुरा है इत्यादि नाना प्रकार के मिथ्या विकल्प उसके संबंध में होंगे, तो ये हुआ मिथ्या चारित्र। इस तरह आत्मा केवल एक बात, एक उस चैतन्य का बोध, चैतन्य का परिज्ञान, चैतन्य की अनुभूति न होने के कारण ये अज्ञानमय भाव हुआ। कौन सा भाव है? अज्ञान भाव, अज्ञान भाव है। उस अज्ञान भाव के कारण अज्ञानमय भाव ही पैदा होते हैं। क्या पैदा होगा उसमें से? जो दुर्गंधित चीज है उसमें से हम इत्र की सुगंध की आशा करें ये कभी संभव नहीं है। इस तरह दुर्गंधित वस्तु में से तो निरंतर दुर्गंध ही दुर्गंध, इस तरह अज्ञान से तो अज्ञानमय भाव ही निरंतर पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? ये राग द्वेषादिक, ये पुण्य पापादिक, ये शरीर कर्म नो कर्म मन वाणी इत्यादि, ये कौन है? ये मैं हूँ। ये दुर्गंधित भाव, ये मैं हूँ ऐसा जो माना, ये मानना महाभयंकर है। ये एक बार माना और इसको हमने बार बार नहीं झिझोड़ा, बार बार इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, तो इसमें से कौन सा भाव पैदा होगा? निरंतर उन्हीं पदार्थों के चिंतन का, विचार का, उनकी सुरक्षा का, उनको छोड़ने का, उनको ग्रहण करने का, ये निरंतर भाव होते हैं ना। इनका कारण क्या? कारण की खोज करना चाहिए, क्रम पूर्वक समझना चाहिए। क्या समझा क्रम पूर्वक?
चैतन्य का बोध नहीं है, ये तो हुआ आत्मा की ओर से। आत्मा को अनादि से भूला और आचार्यों के द्वारा उसका बोध कराया जाने पर भी, बार बार उसकी महिमा गाई जाने पर भी उसके प्रति महत्व जागता ही नहीं है। नहीं होते हैं ऐसे लोग जिनको मदिरा का शौक हो गया है और इतना शौक हो गया है कि वह उसे छोड़ने में असमर्थ सा हो गया है। ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है उसको रोजाना उपदेश दो, रोजाना कहो, लेकिन उसका भाव तो उस मदिरा में ही पड़ा। 24 घंटे मदिरा उसके सिर पर छाई रहती है, 24 घंटे, तो वो नहीं छोड़ता है। जब नहीं छोड़ता है तो कौन से भाव पैदा होते हैं? नालियों में गिरता है, गटर में गिरता है, ऐसे ही लोगों के साथ पाया जाता है और मुंह से अल्प जल्प कुछ भी बोलता है, अपना नाम तक भी नहीं बोल पाता। इस तरह आत्मा आचार्यों के बोध से शून्य होने के कारण, उनसे रीता रहने के कारण अल्प जल्प बोलता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कि हम तो संसारी हैं, हम तो रागी हैं, हम तो देशी हैं, क्या बोलता है। अथवा और बोलेगा कि हम पाप नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, कुशील परिग्रह का हमारे त्याग है, हम तो रोजाना हमारे दया दान पूजा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दया दान पूजा का भाव और पाप का भाव, इन दोनों का भीतर से अन्वेषण किया जाए। बाहर से न्यारे न्यारे लगेंगे, बाहर से कैसे लगेंगे, न्यारे न्यारे लगेंगे। एक में किसी की को पीड़ा देने का भाव है और दूसरे में उसको बचाने का भाव है। इस प्रकार लगेगा कि परस्पर ये दोनों भाव न्यारे हैं, विपरीत हैं। लेकिन भीतर से देखा जाए, भीतर से अन्वेषण किया जाए तो दोनों की जाति एक है। क्यों है दोनों की जाति एक? इसलिए कि दोनों के जो विषय हैं वो पराये हैं, दोनों पराधीन भाव हैं। पुण्य और पाप के उत्पन्न होने पर स्वाधीनता का नाश होता है, लिखा है आगम में लिखा है। पुण्य जब भाव पैदा होता है तो क्या होता है कि पर की ओर, भगवान की ओर, किसी जीव की ओर, दया दान आदि की ओर हमारा चित्त जाता है, मन पर पदार्थ की ओर हमारा चित्त जाता है। और पाप भाव होता है तो विषय की ओर हमारा चित्त जाता है। बहुत जो ऐसी चीजें हैं, आलू है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, ये तो अच्छे हैं ही नहीं। लेकिन जो हार्ट का रोगी है उसके लिए घी भी अच्छा नहीं है, तो दोनों कौन सी कक्षा में गए? दोनों की ओर अगर उसका चित्त जाता है तो वो अपनी मौत के सन्मुख जाता है। क्या होता है उसके लिए? दोनों एक ही कोटि के हैं, जरा भी उनमें थोड़ा बहुत अंतर है कि नहीं? घी में और गाजर में थोड़ा बहुत अंतर है या नहीं है? या बहुत अंतर है उनमें? तो उनमें तो बहुत अंतर है। एक का भाव क्या है, दूसरे का क्या है, एक क्या काम करती है दूसरा? अरे लेकिन उसके लिए तो वह विष है, मारक तत्व है। दोनों एक ही जाति के हैं। इस तरह से पुण्य और पाप के भाव, जब पुण्य भाव पैदा होता है तब भी पर की ओर उपयोग जाता है, और जब पाप भाव पैदा होता है तब भी पर की ओर उपयोग जाता है। स्वभाव को छोड़कर सुंदरतम स्वभाव, वैभव से भरा हुआ, महत्ता हुआ स्वभाव
ऐसा जो मधुर मधुर स्वभाव, उसमें से चित्त को, उसमें से उपयोग हटकर पर की ओर जाता है, तो वहां स्वाधीनता का उनके वश हो जाता है, उनको अपना मानता है ना, उनको मानता है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, हितकर हैं, मेरा अच्छा करने वाले हैं, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसा मानता हुआ। अरे सारी किताबों में लिखा है कि ये पदार्थ तो बहुत स्वास्थ्य देने वाले हैं, स्वास्थ्य प्रद हैं ये पदार्थ तो, क्या लिखा है, सर्दी के दिनों में घी खूब खाना चाहिए, अच्छा पाक बनाकर खाना चाहिए, पर उस हृदय के रोगी को खाना चाहिए या नहीं, एक आध ग्रास चलेगा या नहीं, नहीं चलेगा। इस तरह पुण्य का एक भी अविभाग प्रतिच्छेद और पाप का एक भी अविभाग प्रतिच्छेद वो आत्मा को पचने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा उस आत्मा के अबोध के कारण पर के साथ जो एकत्व करता है, क्या हुआ, कहां से चीज शुरू, कहां से हुई, इधर आत्मा का अबोध, आत्मा का बोध नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा कितना महिमाशाली है इस बात का पता नहीं है, तो आत्मा का बोध नहीं है तो आत्मा में अहम नहीं है, आत्मा में ममत्व नहीं है, ये तो हो गया। अब आत्मा में ममत्व नहीं है तो ममत्व तो कहीं कहीं होगा, क्योंकि ममत्व श्रद्धा, उसका दूसरा नाम श्रद्धा, श्रद्धा आत्मा का गुण है, तो उसकी पर्याय प्रति समय होगी होगी, जब उसकी पर्याय आत्मा में नहीं हुई तो उसकी पर्याय किसी अन्य में, क्योंकि अन्य सारा जगत पड़ा है, उससे अन्य प्रकार के, आत्मा से जो अन्य प्रकार के भाव हैं उनमें उसकी प्रवृत्ति होगी होगी। तो क्या हुआ कि आत्मा में ममत्व न करके, उसमें अहम न करके, उसी आत्मा ने पर को अपना माना, पर में ममत्व किया, ये पहला चरण श्रद्धा का, पहला श्रद्धा का विकास, मिथ्या दर्शन, आत्मा ने पर में ममत्व किया, तो पर में ममत्व किया तो पर को ही अपना जाना और आत्मा को पर का जाना, इस प्रकार पर को ही अपना जाना, तो पर को अपना जानकर उस पर में जो है निरंतर उसी का चिंतन, निरंतर उसी का विचार, निरंतर उसी का वेदन ये किया, और फिर उसके ग्रहण और त्याग की आती है बात। कहां से शुरू हुई संसार, कहां से शुरू हुआ और संसार का अंत कहां है, इस ममत्व की डोर को तोड़ दो, ये झूठा है, जो ममत्व किया है वो ममत्व बना नहीं, ममत्व साकार हुआ नहीं, सार्थक हुआ नहीं, ममत्व अकेला भीतर ही भीतर उछलता रहता है, अहंकार किया करता है, मेरा है, मेरा है, मैं इतना हूँ, आज मेरे पास इतने अरब हैं, क्या करता है, जब एक नया पैसा भी उसका नहीं है तब क्या करता है, कैसा मानता है, मेरे पास इतने अरबों रुपए हैं, ऐसा मानता हुआ तो रुपए तो दूर ही रहे, वो तो अलग ही रहे, और इसने भीतर ही भीतर कल्पना की मेरे पास इतना है, तो है आत्मा के पास, कभी आया आत्मा के पास, आता नहीं है, और मेरे तो होता जा रहा है, मेरे तो बढ़ता जा रहा है, मेरा तो व्यवसाय बहुत चलता जा रहा है निरंतर, पहले नहीं चलता था, अब तो मेरा व्यवसाय आसमान पर है, ऐसा जानता हुआ निरंतर विकल्पों में मूड होता हुआ, इन्हीं में ममत्वशील, किन में ममत्व किया, उन पदार्थों में ममत्व, अर्थात पदार्थों के प्रति होने वाले जो भाव हैं उनमें ममत्व, उनमें जो फिर ग्रहण और त्याग का भाव, उसको अपना माना ना पदार्थ, जैसे ये पेन मेरा है, तो ये पेन मेरा है ऐसा माना, तो उसे लिखने का, उसे वापस लगाने का, उसे सुरक्षित रखने का, ये खो न जाए, ये अच्छा रहे, ये बिगड़ न जाए, ये भाव होगा नहीं होगा, ये मिथ्या चारित्र, इस
तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का भाव केवल आत्मा के अबोध के कारण पैदा होता है, और ये भाव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन्हीं के साथ में पुण्य और पाप और राग और द्वेष, ये भाव अज्ञानमय भाव हैं। तो ये भाव प्रति समय होते आए, क्योंकि आत्मा को तो अनादि से चूका, अनादि से ही आत्मा से स्खलित हुआ, फिसल गया। तो फिसल गया तो फिर ये जो भाव हुए, यही भाव इसको दिखाई दिए निरंतर इसके ज्ञान में, और इन्हीं भावों का निरंतर आत्मा के रूप में वेदन हुआ, मैं ऐसा ही हूं। ऐसा जैसे कोई करोड़पति का बच्चा हो ना, तो वो हॉस्पिटल में बदल जाए, किसी गरीब के पास, गरीब माँ के पास तो वो करोड़पति का बच्चा रख दिया नर्स ने, और जो वो करोड़पति का बच्चा था वो उस भिखारिन के पास रख दिया, तो वो क्या करेगा? वो जो भिखारिन के पास करोड़पति का बच्चा रख दिया, उसी के पास उसका पालन पोषण हुआ, तो उसने क्या माना? अपने आप को क्या माना? यहां से शुरू हुआ, माना, अभी कुछ किया नहीं, कुछ अपने आप को भिखारी माना, तो चेष्टाएं कैसी होंगी? दूसरे के साथ झोली फैलाने, दूसरे के आगे झोली फैलाने की, दूसरे के गुण गाने की, दूसरे की माई एक पैसा दो, माई एक रोटी दो, क्या बोलेगा? बोलना क्या होगा? इस तरह अपना अहम चूक जाने के कारण राग द्वेष के भाव पैदा हुए। वहां कौन से भाव पैदा हुए? भिखारीपन के। ये राग द्वेष के भाव पैदा हुए, ग्रहण और त्याग के भाव, अच्छे और बुरे के भाव, ये भाव पैदा हुए, इन्हीं को अपना कर्म माना, इनको अपना कर्म माना, ये ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है, इसलिए इनको कहते हैं अज्ञान में भाव। क्या है ये? कैसी है बात? एक ओर शुद्ध चैतन्य, दूसरी ओर राग द्वेषादि भाव, और बीच में ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन। ये बीच का जो ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन है, ये अगर निकल जाए तो राग द्वेष अपनी जगह रह जाए, वो जाते रहेंगे, होता रहेगा उनका कुछ भी, और ये शुद्ध चैतन्य की ओर आकर अमृतपान करने लगेगा। अरे मैं तो करोड़पति हूँ, किसी ने कह दिया, पता चल गया, अरे तू भिखारी नहीं है, तू तो बदल गया था, वहां ऐसा कैसी घटना घट गई थी कि तू चेंज हो गया था, तुझे जो है वो भिखारिन के बिस्तर पर लिटा दिया गया भूल से, तो तूने अपने आप को इतने बरस तक भिखारी माना, लेकिन तू भिखारी नहीं है, चल हम तुझे तेरा घर बताते हैं, तू करोड़पति है। तो अभी घर नहीं ले गए तो भी उसको कि ये अनायास मुझे मिले हैं, इनका मेरे से कोई संबंध नहीं है, तो ये मेरे परम हितैषी लगते हैं, ऐसा उसने पहचाना अपने ज्ञान से, तो ये आचार्य हमारे परम हितैषी हैं, कुछ लेना देना इनको हमारा क्यों? लिखे इतने शास्त्र, ये कितने क्या दिया हमने आचार्यों को, कुंद कुंद को क्या दिया हमने, तू दिया, तू क्यों लिखे ये, किसलिए लिखे? अरे क्यों दुख पाते हो, क्यों कष्ट पाते हो बिना काम? इस अज्ञान को बीच में से निकाल दो। ये अज्ञान बीच में से खिसक गया तो शुद्ध चैतन्य रह गया, राग द्वेष कर, राग द्वेष का की तो समाधि होती रहेगी, वो तो जलते रहेंगे, फिर अपनी आग से उनकी ओर देखना नहीं रहा। अज्ञान निकल गया तो मैं राग द्वेष नहीं, मैं तो करोड़पति अरबपति अर्थात शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य का बोध हुआ तो सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान है। तो कितनी सी कहानी हुई, कथा कितनी सी है, उस कथा में कितने द्वादशांग, इतनी सी कथा में आचार्य भगवान गणधर ने द्वादशांग रचा, और इतनी सी कथा में अनंत तीर्थंकरों की वाणी झरती रही और अनंत काल तक झरती रहेगी, लेकिन यह अज्ञानी, यह ढीठ है, ये इसको बात जमती
शुद्ध चैतन्य मेरे पास पड़ा है, मेरी छाती में पड़ा है, वो कहीं गया नहीं है, उसे किसी ने छुआ नहीं, वो छूने भी नहीं आया। अरे हार्ट का ऑपरेशन होता है तो उस मन का ऑपरेशन होता है नहीं, जो मन पड़ा है हमारे 8 पंखुड़ी के आकार वाला, उसका होता है नहीं? वो तो झोंका त्यों पड़ा रहता है या नहीं? क्या हृदय का ऑपरेशन होता है ना हार्ट का, तो उसमें उस मन का ऑपरेशन होता है नहीं? नहीं होता, वो छुआ नहीं जाता। हाँ, इस तरह ये जितने परिणाम हैं इन सबके बीच में वो शुद्ध चैतन्य पड़ा है, ये परिणाम उसको छूते नहीं, ये अज्ञान का परिणाम उसको छूता नहीं, मिथ्या दर्शन का परिणाम उसको छूता नहीं, मिथ्या चारित्र का परिणाम भी उसको, वो अछूता तत्व पड़ा है, इसलिए परम पवित्र है। ऐसा परम पवित्र तत्व मैं हूँ ऐसा जानने वाला तो राग द्वेष आदि भावों के साथ एकत्व को तोड़ देता है। जाओ, तुम्हारा हमारा, अब तक तुम्हारी हमारी मित्रता थी, आज से तुम्हारी हमारी मित्रता भंग होती है, आज से आपका और हमारा व्यवहार खत्म होता है, क्योंकि आपने हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, तो इनके साथ व्यवहार नहीं तोड़ सकते। इनके साथ व्यवहार रहा या निश्चय हो गया? निश्चय माना लेकिन था व्यवहार। माना क्या? ये भाव मेरे हैं लेकिन ये भी आत्मा के हुए ही नहीं, आत्मा के नहीं हुए, और आत्मा ने निश्चय करके आत्मा माना, तो इससे निश्चय से ये आत्मा के नहीं हो गए, ये कहने में आत्मा के हैं लेकिन आत्मा के कभी बनते, राग द्वेष रूप आत्मा कभी परिणमन करता ही नहीं, होता ही नहीं। कैसे पैदा हुए? कैसे पैदा हुए? लकड़ी गीली हो ना, लकड़ी गीली लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उसमें से धुआं ही धुआं, क्योंकि इसका स्वभाव सूखा है, तो सूखा स्वभाव हो तो धुआं नहीं हो, लेकिन गीली है तो धुआंधार होता है और सारी रसोई धुआंधार हो जाती है। उसी तरह यहाँ ये जो ममत्व का गीलापन पड़ा है, इससे राग द्वेष का धुआंधार आत्मा में दिखाई देता है, उस राग द्वेष के आवरण में शुद्ध चैतन्य दिखाई नहीं देता, तो आचार्य उसका बोध कराते। ये पृथ्वी है ऊपर ऊपर, इस पर हम चलते फिरते हैं, लेकिन इसके भीतर कितना गहरा पानी भरा है, इसका बोध तो उन लोगों को है कि जो पानी निकालते हैं, जिनको पता है कि इसके भीतर पानी है, और जो वहां तक पानी को उसको यंत्र को चलाते हैं। ऊपर से कैसी है पृथ्वी? उस तरह ऊपर से ये आवरण दिखाई देने पर भी भीतर चैतन्य तत्व एक फूल की तरह है, खिले हुए फूल की तरह महकता हुआ भीतर पड़ा है। ऐसा जो चैतन्य है उसके साथ अज्ञानी को बोध न होने के कारण अज्ञानी राग द्वेष के साथ एकत्व करता है। कैसे करता है एकत्व? क्या हुआ? एक और चैतन्य, दूसरी ओर राग द्वेष, पुण्य पाप, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और बीच में ये अज्ञान का भाव। अब इस अज्ञान के भाव ने वो रागाधिक पराये होते हुए भी राग कहा न यहाँ पर, तो राग जो है वो सारे विकार का प्रतिनिधि है। इसमें सारे विकार समझ लेना, जितने भी विकार है, योग तक का विकार भी, योग तक का विकार, व्यवहार रत्नत्र, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, क्या है ये? ये ज्ञानी को नहीं होते, आपको नहीं जमने वाली बात। अजीत जी, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र ज्ञानी को नहीं होते, तो किसको होते हैं? अज्ञानी को। अज्ञानी को तो होते ही नहीं, लेकिन ज्ञानी को होते हैं, तो ज्ञानी का कलेजा टूटा हुआ है, ये मोक्ष मार्ग, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा टूटा हुआ कलेजा, राग है ये, सारा का सारा मिलाकर क्या है? राग है। तीनों प्रकार के परिणाम, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों प्रकार के परिणाम ये केवल राग है, और राग मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा किसी से संबंध
नहीं है ऐसा जानता हुआ ज्ञानी वह इन भावों से एकत्व तोड़ता है। एकत्व तोड़ता है, क्या करना रहा? भावों को इधर उधर करना नहीं रहा, कुछ छोड़ना नहीं रहा, कुछ ग्रहण करना नहीं रहा, कुछ त्याग तपस्या इत्यादि सब क्या है? 12 प्रकार के तप क्या हैं कि ज्ञानी को नहीं होते, मुनिराज को नहीं होते, 28 मूल गुण मुनिराज को नहीं होते। ये कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे जो उनको अपना मानते ही नहीं उनको कैसे होंगे वो? यहाँ क्या करना है? यहाँ राग द्वेष होने पर भी मैं रागी हूँ ऐसा मानना नहीं है, बस है रागद्वेष। रागद्वेष की सत्ता से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वे होते किसके हैं रागद्वेष? कौन है उनका अधिकारी कि जो रागद्वेष के साथ एकत्व करता हुआ रागद्वेष रूप अपने को मानता है, रागद्वेष को अपना मानता है, उसको रागद्वेष हुए ऐसा कहा जाता है? ऐसा क्या उसको रागद्वेष हुए 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 नहीं हुए फिर भी नहीं हुए कहा जाता है कि उसको रागद्वेष? क्योंकि रागद्वेष को अपना मान लेने से रागद्वेष अपने नहीं बन गए, बने नहीं रागद्वेष, आत्मा के बन गए। आत्मा बन गया रागी और देशी, ये तो खाली बीच में अज्ञान की पर्याय तो कहने सुनने वाली है ना, ये तेरे ये आत्मा रागी और देशी है ऐसा अज्ञान बोला, तो बोलने से रागद्वेषमय हो गया आत्मा? नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञानी ने उनके साथ एकत्व तोड़ा तो वे ज्ञानी के नहीं रहे, हैं अभी सत्ता में विद्यमान, पड़े हैं अलग अलग पड़े हैं, लेकिन वे ज्ञानी के नहीं हुए। कितने प्रकार के हैं परिणाम, पुण्य और पाप के परिणाम? तो पुण्य के सारे ही प्रकार और पाप के सारे ही प्रकार वे ज्ञानी को नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञानी ने उनके साथ अनादिकाल से जो कृत्रिम संबंध जोड़ा था उस कृत्रिम संबंध को तोड़ दिया। कृत्रिम का संबंध, कृत्रिम नकली, अरे माथा खराब हुआ तो अपने से भिन्न अपने से विपरीत आचरण वाली पंजाबी ले आया घर में, विपरीत आचरण वाली, अब वो क्या मांगती है और ये क्या कहता है? पहले आराम से रहता था, अब क्या बात करते हैं, वो प्याज लहसुन मांगती है और मांगती है। उसका जो भवन है, उसका जो परिणमन है, उस परिणमन में से जैनत्व नहीं निकल सकता। इस तरह राग द्वेष में से कभी भी चेतनत्व प्रकट नहीं होता। वो सारे के सारे न्यारे ही ऐसा मानने में इतनी कठिनाई, मानने में कठिनाई, दूर नहीं करना है, दूर ही है उनको, क्या दूर करना है? अरे हिमालय यही आया ही नहीं तो उसको कहाँ ठोकर मारना है, कहाँ दूर करना है? रागादिक वो तो चेतन से दूरवर्ती भाव हैं, चेतन का कभी स्पर्श करते ही नहीं है, इसलिए चेतन से दूर होते हुए उनको केवल दूर मानना, अरे ये मेरे साथ कभी आत्मसात हुए ही नहीं और इन्होंने इनकी भलमनसात भी इतनी है कि मैंने तो अपने आप को अपवित्र माना लेकिन रागद्वेष ने मेरे को अपवित्र नहीं किया और मेरे निकट रहे, मिथ्या दर्शन ने मेरे को अपवित्र नहीं किया, मिथ्या दर्शन में मैंने अपने आप को अपवित्र माना लेकिन मैं चेतन कभी अपवित्र नहीं हुआ। इस तरह जो पवित्रतम चैतन्य है केवल उसका बोध एक बार करना है और इस अज्ञान को बीच में से तोड़ना है। तोड़ना है मैंने, बस मैं चैतन्य हूँ, हो गया। ये अज्ञान तोड़ा तोड़ी अज्ञान की भी, वो भी कहने की बात, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य की ओर दृष्टि जाए बार बार, मैं तो शुद्ध ज्ञायक और चैतन्य चिद्रूप हूँ, सुंदर तम महकता हुआ फूल जैसा जिसमें से खुशबू निकल रही है, जो मधुर मधुर है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूँ। ये जो कड़वे मीठे ये दो प्रकार के हुए ना, जो पुण्य है वो कैसा लगता है? मीठा लगता है। जो पाप है वो
कड़वा लगता है, लेकिन मीठापन भी कोई ऐसा होता है कि जो बेस्वाद होता है, नहीं होता? बेस्वाद होता है और मारता है, किम्पाक फल जैसे कहलाता है। उसको तो खाए तो मीठा लगे, लेकिन वो मारक तत्व है। इस तरह से पुण्य भी मीठा लगता है लेकिन मारक तत्व है। सब आ गए इसमें। बारह प्रकार के तप, व्यवहार, धर्म, ध्यान, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र साथ छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे। तुमने इनको ग्रहण करना माना, यही तो छुड़ा रहे हैं यहाँ, और क्या छुड़ा रहे हैं? ये तुम्हारे द्वारा कभी ग्रहण हुए ही नहीं। ये तो होने वाले भाव हैं। जब तुम्हारा, जब आत्मा को अपना बोध नहीं रहता, अपना परिज्ञान नहीं होता, स्वसंवेदन नहीं होता, और स्वसंवेदन में आत्मा के साथ एकत्व नहीं होता, आत्मा की महिमा नहीं आती, तब इन भावों का जन्म, तब ये धुआंधार भाव पैदा होता है। कोई न्याय की बात है नहीं, न्याय है एकदम। असंख्यात लोक प्रमाण है व्यवहार भाव, उस सारे असंख्यात लोक प्रमाण पुण्य और पाप के व्यवहार भाव, उनमें से एक अंश मेरा नहीं, अणु मात्र, अणु का भी कोई भंग, कोई अंश हो सके तो वो भी मेरा नहीं है। ऐसा ज्ञानी का कलेजा रीता हो चुका है, बिल्कुल रीता हो चुका है। जैसे अपन कहते हैं ना, आज से मैं इसका परित्याग करता हूँ, तो अब हमारा कलेजा उससे बिल्कुल रीता हो गया, उसके भाव से भी रीता हो गया। इस तरह सारे सब प्रकार के भाव जो ममत्व और एकत्व के कारण, उधर रागादिक का एकत्व, ये मैं रागी और ये राग मेरा कर्म, ऐसा मानता हुआ रागी और द्वेषी होकर राग को अपना कर्म बनाता है, जब राग इसका कर्म नहीं है। और राग का कर्ता प्रतिभासित होता है, राग का कर्ता प्रतिभासित होता है ना, राग मेरा कर्म है ऐसा जानता हुआ ये राग का कर्ता दिखाई देता है। राग का जन्म होता है, राग का भी क्या करता, राग का भी क्या करे, राग का करता है आत्मा है नहीं, राग का करता नहीं वास्तव में। लेकिन जब उसे अपने चैतन्य बोध को भूल जाता है तो राग का जन्म होता है। अरे जमीन को जब साफ नहीं करते, जमीन में जब कचरा रहता है, हल नहीं चलाते उसमें, उसमें सिंचाई नहीं करते और नहीं करते, तो झाड़ियां पैदा होती हैं। कुछ न कुछ तो पैदा होगा, नहीं होगा, झाड़ियां पैदा होंगी। इस तरह चैतन्य जो पवित्रतम वस्तु है उसका बोध नहीं होगा तो अज्ञान और राग द्वेष की झाड़ियां, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की झाड़ियां पैदा होंगी, और उस कटीले कटीली भूमि में उलझेगा, रात और दिन कांटों में क्लेशित रहेगा, रात दिन क्लेशित रहेगा। इस तरह क्लेश को दूर करने के लिए आचार्य ने क्या किया, ये अज्ञानमय भाव हैं सारे के सारे। कौन से राग द्वेष आदि कैसे हुए, कि अज्ञान हुआ अर्थात आत्मा का बोध नहीं किया तो इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ अज्ञान से ये पैदा होते हैं। अज्ञान को बीच में से निकाल दो फिर देखो राग द्वेष पैदा होते हैं क्या, फिर तो ये कहते हैं जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अज्ञान अगर चला गया तो अज्ञान में है, मैंने चैतन्य नहीं है, जड़ है, पुद्गल है, इनमें ज्ञान नहीं है। ये अपने को नहीं जानते, ये पराये को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, इसलिए ये अज्ञान में भाव कहलाते हैं। सचमुच तो वास्तव में तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तत्व है, उसको ये परिणाम वास्तव में नहीं होते, आत्मा को नहीं, आत्मा की पर्याय में ये कल्पनाएं सारी की सारी, आत्मा को नहीं होते, आत्मा को ये भाव लगते ही नहीं है, आत्मा के इन भावों ने दर्शन किए ही नहीं, राग से कभी आत्मा की अनुभूति आज तक हुई ही नहीं, इसलिए आत्मा का दर्शन इन्होंने किया ही नहीं। तो आत्म दर्शन इन्होंने नहीं किया तो ये भाव आत्मा के कहां से हो गए,
इसलिए सारे के सारे भाव अज्ञान जन्य हैं। क्या पैदा होता है जब अनादि से चले आए राग द्वेष प्रति पर्याय में अनादि से चले आए ना, तो प्रति पर्याय में ही इसको उनके साथ एकत्व रहा ना, तो हर पर्याय में उनके साथ रागादि के साथ एकत्व करता हुआ अब क्या होता है कि क्या पैदा होते हैं इसको कि वही अज्ञान और वही राग द्वेष यही पैदा होंगे। क्या होंगे? अरे उस पंजाबिन के साथ तूने जब कर लिया तो क्या होगा, वो तेरी चलने ही नहीं देती है, तेरी छाती पर चढ़ती है वो, तो अब तो घर में प्याज और लहसुन की गंध आएगी ही आएगी, अब क्या होगा, तो क्या करें? उपाय क्या है कि तलाक दे दे। उपाय क्या होता है? तलाक दे दे। इस तरह राग द्वेष के भावों को तलाक दे दे। अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध पहले मैं भूल गया था, भूल से मैंने तुमको अपना मान लिया था, आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध वो भूल से हुआ संबंध भी नहीं है, कृत्रिम संबंध भी नहीं है, कृत्रिम था वो भी। क्या मानता है? यह मैं वास्तव में रागी देशी हूँ, ऐसा क्या मानता है? यह मैं वास्तव में रागी देशी हूँ, यह मैं वास्तव में दया करता हूँ, दान करता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, इतने लाख तो मैं कर चुका हूँ, ये मैं मुनि हूँ, ये मैं 28 मूलगुण पालता हूँ, ये मैं 12 प्रकार का तप करता हूँ, ये मैं ध्यान करता हूँ, धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान, शुभ धर्म ध्यान करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, और क्या क्या गिनाया जाए। सारे के सारे भाव इनका एक टुकड़ा वो ज्ञानी की छाती को छूता नहीं, ज्ञानी के ज्ञान को छूता नहीं एक टुकड़ा भी। इस तरह मानता हुआ ये अज्ञानी का खींचा है अभी तो चित्र, ज्ञानी की बात फिर करेंगे। इसलिए अज्ञान में भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप करता हुआ कर्मों को करता है। अज्ञान में भाव के कारण राग द्वेष आदि जो हैं वो पुण्य पाप आदि जो हैं वे अज्ञान में भाव जड़ और अचेतन हैं। उन भावों के साथ एकत्व करने के कारण अज्ञानी अपने आप को अज्ञानमय भाव रूप मानता है। अज्ञानमय भाव रूप राग द्वेष रूप परिणमित होता है। राग द्वेष रूप परिणमित होता है, मैंने राग द्वेष को अपना मानता है और अनन्य भाव से तद्रूप मैं रागी द्वेषी, इसका नाम परिणमन। क्या परिणमन हुआ? आत्मा रागी द्वेषी हो गया सो नहीं, आत्मा में आत्मा राग द्वेष रूप परिणमन कर गया वो नहीं, लेकिन अज्ञान रूप परिणमन करता है, मैंने तद्रूप भाव से परिणमन करता है, अपने आप को तद्रूप मानता है। एक लड़का ऐसा हो सकता है कि अब पंजाबी नागिन तो आगी तो आ गई, ठीक है अब अपन नहीं खाते थे प्याज लहसुन, खाने लगो तो वो तद्रूप परिणमन करने लग गया, वो तद्रूपता हो गई। और ये तद्रूप परिणमन करता हुआ अज्ञानमय भाव में निरंतर व्यस्त रहता है और मैं रागी हूँ मैं द्वेषी हूँ ऐसा मानता हुआ कर्मों को करता है। कर्मों को करता है मैंने ये रागी, ये राग मैं, ये द्वेष मैं, ये मैं रागी और ये राग मेरा, कर्म। इस तरह अपने को अज्ञान में मानता हुआ अज्ञान में भावों से ग्रस्त रहता हुआ निरंतर कर्म को करता है, अर्थात इसको राग द्वेष ही पैदा होते हैं और उनके साथ इसका कर्तृत्व निरंतर चलता रहता है। तो कर्मों का करता हुआ मैंने क्या हुआ? कर्मों का कर्ता मैंने राग द्वेष का कर्ता अपने आप को मानता है, कर्ता होता है मैंने। अरे वो तो पहले से ही विद्यमान है राग द्वेष तो, और निरंतर अपने समय में पैदा होते हैं, तो अपने समय में पैदा होते हैं। ये झाड़ियां इसने पैदा की क्या खेत में? तो राग द्वेष तो पैदा हो ही रहे हैं, उन राग द्वेष के साथ एकत्व करता हुआ कर्मों का कर्ता, ये एकत्व जो है वो है क्या है? कर्ता कर्म भाव, हाँ अनन्य भाव से
राग द्वेष को आत्मा के साथ अनन्य भाव से अनुभव करना, अर्थात मेरा आत्मा ही रागी द्वेषी है। ये जो राग द्वेष मेरे में हो रहे हैं ना, तो मेरे में हो रहे हैं तो आखिर मैं इनमें हुआ या नहीं हुआ? कि ये तेरे में हो रहे हैं इतनी बात हम कहते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन तू इनमें नहीं हुआ, हो गया इनमें हो गया। राग द्वेष करता हुआ कर्मों को करता है अज्ञानी के, अज्ञानी की बात आ गई।